नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्रिकेट के यूनिक फैक्ट्स। आज के दिन यानी 14 दिसंबर 1894 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें कई क्रिकेटर्स ने अपना डेब्यू किया था, जिनमें दो क्रिकेटर प्रमुख थे। उनमें पहला नाम है अर्नी जोन्स का। अर्नी जोन्स को जाना जाता है द मैन हु बोल्ड अ बॉल थ्रू WG ग्रेस बर्ड, और साथ ही उन्होंने अपनी बॉलिंग से स्टैनली जैक्सन की रिब्स को तोड़ दिया था। स्टैनली जैक्सन की बात आई तो ये वही शख्स हैं जिन्होंने महाराज ऑफ नवानगर यानी कि रंजीत सिंह जी को कैम्ब्रिज की क्रिकेट टीम में जगह दिलवाई थी। अब बात करते हैं आर्ची मैक्लेरन की। मैक्लेरन के नाम एक समय फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन द्वारा हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड था, जब उन्होंने लैंकेशायर के लिए खेलते हुए 424 रन बनाए थे। और अब 7 करोड़ का फैक्ट। आर्ची मैक्लेरन फरवरी 1907 में रंजीत सिंह जी जब नवानगर के महाराज बने थे, रंजीत सिंह जी के साथ भारत आए थे। आर्ची मैक्लेरन महाराजा रंजीत सिंह जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। जिस एशेज टेस्ट की मैंने बात की उसमें कई क्रिकेटर्स ने डेब्यू किया जो मैंने आपको बताया, बट उस टेस्ट मैच में 2 अंपायर्स में एक थे चार्ल्स बैनरमैन। अब चार्ल्स बैनरमैन कौन थे इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है, और चार्ल्स बैनरमैन के बारे में हमारी कौशल इमेज बुक 3 में भी हाई लेवल फैक्ट्स बताए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द सोल्ड डाई।